इवापोरेशन के बारे में और उसके फैक्टर के बारे में बताएंगे, मतलब वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कहता है द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो किसी लिक्विड का उसके क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प में या गैस में बदलने की क्रिया को वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर भी वेपराइजेशन हो सकता है लिक्विड का, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है दो इट इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर, अब है फैक्टर ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एवेपरेशन को कौन सा कारक प्रभावित करता है। एवेपरेशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, निम्न कारक पर लिक्विड का एवेपरेशन प्रभावित होता है। सबसे पहला है टेम्परेचर यानी कि ताप, दूसरा है सरफेस एरिया मतलब कि उसके सतह का क्षेत्रफल, तीसरा ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, और चौथा है विंड स्पीड हवा का वेग। तो टेम्परेचर का मतलब देखो सीधी सी बात है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। ज्यादा के दिन में कपड़ा देर से सूखता है जबकि गर्मी के दिन में कपड़ा बहुत तेजी से सूखता है, बिकॉज इन समर डे द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इज मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू द विंटर सीजन। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल, जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल रहेगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा। कपड़े भींगा हुआ कपड़े को यदि कहीं पर बिना फैलाए हुए रख दोगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन जब उसको फैला दिया जाता है तो वह सूख जाता है। ठीक है, इतना जो वाटर साइकिल होता है वह ओशियन का, सी का, रिवर का, मुख्य रूप से ओशियन और सी का एवेपोरेशन मुख्य रूप से भाग दे देता है, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ ओशियन एंड सी इज लार्जर इन कंपेरिजन टू द रिवर और पॉन्ड। नेक्स्ट है तुम्हारा ह्यूमिडिटी, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड या एटमोस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इसको आर्द्रता कहते हैं। तो विंड स्पीड मतलब हवा का वेग, हवा का वेग जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ एवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब आगे देखो इंग्लिश में, फर्स्ट टेम्परेचर, रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है। यही कारण है कि जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो तेजी से एवेपोरेट होता है, अब बॉइलिंग पॉइंट पर उसका स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाता है। नेक्स्ट सरफेस एरिया, द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब बढ़ेगा रेट ऑफ एवेपोरेशन। तीसरा फैक्टर है तुम्हारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हवा में आर्द्रता, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी, हवा में जल वाष्प का उपस्थिति या रहना आर्द्रता कहलाता है। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब हवा में आर्द्रता कम होता है देन रेट ऑफ एवेपोरेशन इज हाई, तो एवेपोरेशन का रेट हाई होता है एंड वाटर एवेपोरेट्स मोर रैपिडली, और वाटर तेजी से वाष्प में बदल जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, जब हवा में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होता है देन द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज लो, तो वाष्पीकरण का दर कम होता है एंड वाटर एवेपोरेट वेरी स्लो। तो यही कारण है कि जब हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होता है तो कपड़ा तुम्हारा जल्दी सूखता है, जब हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज्यादा रहता है तो कपड़ा तुम्हारा कम तेजी से सूखता है। ठीक है, जाड़े के दिन में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, नमी की मात्रा ज्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए कपड़ा देर से सूखता है। गर्मी में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम रहता है इसलिए कपड़ा जल्दी सूखता है। ये प्रैक्टिकल की चीज है, एवरीडे लाइफ में ऐसा होता है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट है विंग स्पीड, हवा का गति, हवा का गति जितना तेज होगा एवेपोरेशन का वेग उतना ही ज्यादा होगा। द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग विंग स्पीड,
हवा का वेग जैसे-जैसे बढ़ेगा या वाइब्रेशन का वेग उतना ही तेजी से बढ़ेगा। एग्जांपल के तौर पर ये देखने की चीज है कि एक किसी बर्तन में पानी, दो जगह पानी ले लो, सेम वॉल्यूम उसका होना चाहिए, बर्तन का सरफेस एरिया भी सेम होना चाहिए, ठीक है। एक को रूम में रखो और दूसरे को खिड़की के पास रख दो, हवा चल रही हो तो देखोगे शाम तक में आकर के कि जो खिड़की के पास जो बर्तन है उसमें जो पानी है तुम्हारा वह ज्यादा एवेपोरेट हो गया, इन कंपैरिजन टू अंडर द रूम, है ना। इससे साबित होता है कि द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड। एवेपोरेशन पर आधारित एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि तुम लोगों को आता है कि देखते हो गर्मी के दिन में सुराही या घड़ा में जब पानी रखते हैं वह ठंडी क्यों हो जाती है, ठंडी क्यों हो जाती है, उसका कारण समझ लो। हिंदी में पहले समझ लो तो उसका इंग्लिश में हम आंसर दे देंगे। तो घड़ा जो है ना वह जिस मिट्टी का बना होता है उसमें सैंड का मात्रा थोड़ा रहता है, उसी सैंड के कारण जो है उसमें नंबर ऑफ पोरेसिटी छिद्र बहुत ज्यादा होता है। जब उसमें पानी रखते हैं उसी छिद्र से वाटर धीरे धीरे सीप करके रिस करके बाहर आता है, और देखोगे उसका बाहर वाला सतह जब इनको गीला हो जाता है और फिर बाहरी संपर्क में जो टैंक में जो हवा के संपर्क में सरफेस होता है घड़ा का, ठीक है, वहाँ का पानी एवेपोरेट हो जाता है। अब पहले बता चुके हैं एवेपोरेशन से ठंडक उत्पन्न होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। तो अंदर का जो पानी है वह बाहर के पानी के एवेपोरेशन के कारण जो है अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। इसका क्वेश्चन पहले भी दिए हैं कि एवेपोरेशन से ठंडक का एहसास होता है। हम बताए हैं कि जब हम अपने पाम पर स्प्रिट को लेते हैं तो वह हमारा जो भाग है स्प्रिट जिस भाग को लिए हैं वह ठंडा ठंडक का अनुभव देता है, यही कारण है। सी ठीक उसी प्रकार से चूंकि स्प्रिट जब एवेपोरेट करता है तो एवेपोरेशन के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन कहो वह हमारे पाम से लेता है, और हमारा पाम जो है उस समय हीट को रिलीज कर देता है, कम हो जाता है वहाँ का हीट, इसलिए हमको ठंडा हमारा हॉट डूरिंग हॉट समर डेज वाटर बिकम्स कूल इन एन अर्थ एंड पॉट। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पर अर्थ एंड पॉट के जगह पर मटका भी दिया रहेगा, सुराही दिया रहेगा, तो जो जैसा रहेगा उसी में से सेंटेंस में चेंज कर देंगे। अर्थन पॉट के जगह पर यदि मटका होगा तो मटका लिख देंगे, सुराही होगा तो सुराही लिख देंगे, बाकी सब चीज सेम रहेगा, ठीक है। तो द अर्थन पॉट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स इन द वॉल। मिट्टी के बर्तन में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके दीवार में। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू आउटसाइड ऑफ द पॉट। कुछ वाटर उससे लगातार रिसता रहता है पॉट के बाहरी दीवार पर। दिस वाटर एवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली, यह वाटर लगातार वाष्पीकृत होता है एंड टेक्स द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर एवेपोरेशन, और इसके लिए गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वह लेता है अर्थन पॉट से एंड रिमेनिंग वाटर और बचे हुए पानी से। इन दिस वे द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट कूल, और इस प्रकार जो बचा हुआ पानी है वह तुम्हारा ठंडा हो जाता है। एक और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाई डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। क्यों डेजर्ट कूलर ज्यादा ठंडक देता है गर्मी और शुष्क दिनों में। तो पहले डेजर्ट कूलर समझ लो, देखते हो कि बाजार में चदरे का बना हुआ कूलर नजर आता है, ठीक है। वह कूलर हमेशा खिड़की में लगाया जाता है, जिस खिड़की में लगाया जाता है बचे हुए जगह पर बिल्कुल उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, चाहे पेपर से कर दो या थर्मोकॉल से कर दो, ठीक है, और बाकी खिड़की को ऐसे बंद कर दिया जाता है, हवा अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उसको डेजर्ट कूलर कहते हैं। आज रूम में आजकल फैंसी कूलर लगाया जाता है,
है ना, उसको खिड़की दरवाजे से कोई मतलब नहीं है, रूम में लगा हुआ है। तो वह कूलर जो है रूम कूलर की तुलना में बेजर्ड कूलर ज्यादा ठंडा देता है गर्मी और शुष्क दिनों में। तो इट इज बिकॉज, इसका कारण है द हायर द टेम्परेचर ऑन ए हॉट डे, गर्मी के दिनों में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर के एवेपोरेशन के रेट को बढ़ाता है एंड ड्राइनेस ऑफ एयर आल्सो इंक्रीजेस, और हवा भी शुष्क होता चला जाता है द रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर, और जिससे शुष्क हवा के कारण एवेपोरेशन ऑफ वाटर भी तेज हो जाता है एंड ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर, और वाष्पीकरण का दर बढ़ने के कारण डेजर्ट कूलर डेजर्ट रूम कूलर कूल्स बेटर ऑन हॉट एंड ड्राई डेज। तो डेजर्ट कूलर जो है गर्मी के दिनों में काफी ठंडक का एहसास दिलाता है। एटीट्यूड वह फैंसी नहीं है, बहुत कम उसकी बिक्री होती है, लेकिन प्रैक्टिकली वह ज्यादा ठंडक देता है। तो ये जो अभी तक तुमको बताए दो क्वेश्चन वह एवेपोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, साथ साथ उसमें लेटेंट हीट का भी योगदान होता है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एवेपोरेशन पर आधारित था। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टेट ऑफ मैटर जो था तुम्हारा सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है, ठोस द्रव और गैस होता है ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हारे स्टैंडर्ड में आगे के भी स्टैंडर्ड में दो अलग अलग एक चौथा और पांचवा स्टेट ऑफ मैटर भी होता है। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन और आयन का मिक्सचर होता है, वह नेचर में घटित होता है स्टार्स में सन में, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर घटित होता है जिसके कारण हमको प्रकाश नजर आता है, बहुत तीव्र वेग से का प्रकाश नजर आता है। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। भारत के सत्येंद्र नाथ बोस ने ये फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर को प्रपोज किया था, प्रैक्टिकली प्रपोज किया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके इस प्रपोजल को और भी अन्य वैज्ञानिकों ने इनके इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया और प्रूव किया। इसलिए उन दोनों के प्रपोजल थे तुम्हारा सत्येंद्रनाथ बोस, और उसमें से मुख्य साइंटिस्ट एक बहुत ही महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके प्रपोजल को अप्रूव किया, ठीक है। इसलिए उन दोनों के नाम को ऑनर देते हुए फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर का नाम पड़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, और भी कुछ रिलेटेड यदि सवाल यदि देखते हैं, यदि कोई और सवाल होता तो इसको हम कर करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट इस बार जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो तुम्हारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लास्ट वीडियो होगा, जितना भी रिलेटेड है एनसीईआरटी का लगभग क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें तुमको दिखा दिए हैं, समझा भी दिए हैं, और यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको पढ़ना सही से है, बार बार देखो वीडियो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब देंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने का। यदि मान लो मिस कर गए उसके लिए माफ करना, क्षमा करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।